शहर के डीएवी इंटर कॉलेज में छात्र निधियों में अतिरिक्त धन की वसूली करके लगभग 24 लाख रुपए गबन करने का आरोप प्रधानाचार्य व सेवानिवृत्त क्लर्क पर प्रबंधक ने लगाया, जिसके आधार पर कोतवाली में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वहीं प्रधानाचार्य ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि ऑडिट टीम ने भी इस मामले में प्रबंधक के आरोपों को नकार दिया है। अब प्रबंधक और प्रधानाचार्य एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। हकीकत का पता तभी चलेगा जब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। कॉलेज के प्रबंधक रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने शनिवार को बताया कि मुझे 2015 में कॉलेज का प्रबंधक बनाया गया था। तभी से मुझे इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कॉलेज में छात्र निधियों में अतिरिक्त धन वसूल किया जा रहा है। इसके आधार पर शासन व पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब मजबूरन मुझे न्यायालय जाना पड़ा। सीजीएम के आदेश पर 21 दिन पहले मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं 60 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, मुझे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, भ्रष्टाचार के लिए मेरा धर्म युद्ध है, मैं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके ही दम लूंगा। वहीं इस मामले में प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि प्रबंधक ने शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से शिकायत कर छात्र निधियों का लेखा परीक्षण कराने की मांग की थी, जिसके आधार पर शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वरिष्ठ लेखा परीक्षक किशोरी लाल व शिव बलि की ऑडिट टीम 22 जून 2018 को बांदा आई थी, लेकिन प्रबंधक द्वारा साक्ष्य के रूप में टीम को कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, जिस कारण ऑडिट टीम ने यह नहीं माना कि कोई आर्थिक अपराध हुआ है। इस मामले में प्रबंधक का दावा है कि ऑडिट टीम प्रधानाचार्य की ओर से धन पा गई और बिना जांच के बैंक लौट गई। वास्तविकता क्या है यह तभी पता चलेगा जब इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये है कि जब से ये प्रिंसिपल वहां पर हुए, तब से इन्होंने छात्र निधियों में बोलवाल शुरू कर दिया। इसके पूर्व, इस सेशन के पूर्व में कॉलेज में सन 15 में भी प्रबंधक था, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण मैंने साल डेढ़ साल रह के काम छोड़ दिया। इस वर्ष फिर मुझे चुना गया सन 17 में। निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि छात्र निधियों में आपके यहां बड़ा गोलमाल है। उन शिकायतों के आधार पर हमने इनके जो बॉयज फंड है, छात्र निधियां हैं, उनको अपने कब्जे में लिया, इन्हें निलंबित करके और एक जांच समिति बनाई। उस जांच समिति से हमने इनके 13 खातों के व्यापक छानबीन की। प्रमाण सहित हमारे पास उपलब्ध हैं जो इनके अभिलेखों में इन्हीं के द्वारा और इनके लिपिक के द्वारा ही लिखे गए। प्रतिवर्ष इन्होंने पैसा वसूला। वो रुपया होता था 5-5.5 लाख रुपया। उस पैसे को, 2 वर्ष का पैसा था ये इनके पास और 1 वर्ष का था इनके पूर्व जो प्रधानाचार्य था उसके पास, तो उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो कहे मैंने दे दिया, ये किया वो किया, वो अंडरस्टूड है। तब संतोष श्रीवास्तव प्रिंसिपल हुआ करते। हमने उनसे पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ है प्रिंसिपल साहब, ये बता दीजिए। आखिर 5-5.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ जिस व्यक्ति ने, जिस अध्यापक ने उस देखिए, अभी इसी संबंध में प्रबंधक महोदय ने उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र में छात्र निधियां जो होती है ये प्रबंधक के अधिकार की प्रधानाचार्य के अधिकार, और यदि आपको किसी प्रकार की गलती समझ में आती है तो आप उच्च अधिकारियों को कहिए कि आकर के जांच करें। तो उच्च अधिकारियों में डीआईएस महोदय ने जांच के लिए इनके पास भेजा था पत्र, ये आप अपने रिकॉर्ड में यहाँ पर।